फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सेव की सब्जी। आइए शुरू करते हैं। इसे हम बनाने वाले हैं कढ़ाई में, इसलिए सबसे पहले एक कढ़ाई को गैस पर रखेंगे। कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने दें। कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबल स्पून कोई भी कुकिंग ऑयल, मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है। तेल के गर्म होने पर उसमें डालेंगे हींग, 1/4 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स राई, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला, और अब डालेंगे इसमें टोमेटो प्यूरी। वन फोर टेबल स्पून हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, लेकिन नमक डालते हुए ध्यान रखें कि सेव में भी नमक होता है। 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च, मैंने लाल मिर्च कम डाली है क्योंकि टोमेटो प्यूरी बनाते हुए मैंने 1 हरी मिर्च उसमें डाल दी थी। थोड़ा सा डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, ये हमारी सब्जी को देगा एक अच्छा सा कलर। टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि इससे तेल बाहर ना आने लगे। अब डालेंगे इसमें सेव, मैंने नाना जी की भुजिया में जो सेव निकलती है वो यूज की है, आप अपनी पसंद की कोई भी सेव यूज कर सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, पानी इस हिसाब से डालना है जितनी की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, मैंने इसमें 1/4 ग्लास पानी डाला है। अब इसको अच्छे से पका लेंगे। हमारी सब्जी में अच्छे से बॉयल आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। बॉयल आने पर इसे 2 से 3 मिनट पका लें, या फिर इसी कंसिस्टेंसी इसकी आपको रखनी है वहाँ तक पका लें। मुझे इसे चलाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और सब्जी कंसिस्टेंसी जैसी मुझे चाहिए वैसी हो चुकी है, इसलिए मैं अब गैस बंद कर दूँगी।